जनपद संभल की चंदोसी में छाता फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर कार्य कर रहे मजदूरों को बरामद किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की। लॉकडाउन के इस समय में भी कुछ फैक्ट्री मालिक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के फवारा चौक पर स्थित पंजाबी मंदिर के पास स्थित छाता फैक्ट्री से सामने आ रहा है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापा मारकर फैक्ट्री में एक साथ काम कर रहे 14-15 मजदूरों को बरामद किया। ये सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए करीब करीब बैठकर काम कर रहे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की। जब इस विषय में फैक्ट्री मालिक से बात की गई तो उनका कहना था ये सब मजदूर उनके यहाँ पिछली जनवरी से उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तभी तो यहाँ से जाएंगे। इनके विषय में मैंने CDO साहब के स्टेनो को भी जानकारी दे रखी है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? छाता 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 छतरी अम्ब्रेला छाता बनाते हो? कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर। जौनपुर कितने लोग हैं यहाँ पर? 12-14 लोग हैं। 12-14 लोग एक ही मकान में काम कर रहे हो? कब से कर रहे थे? दिन भर कितने छाते बनाते हो? जनवरी। दिन भर में कितने छाते बनाते हो? देते हैं 3-4। एक व्यक्ति? सब टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 14 सर। और अन्य जनपति के लोगों को आपने लेबर में ले रखा है? ये कोई आज से है कि पिछले 10 साल से यहाँ पे कारखाना चल रहा है और श्रम विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन और CDO साहब को मौके मैंने जानकारी दी थी। उनके जो CEO वो जो है क्या नाम है जो उनके स्टैनो साहब जो है हरिओम जी, उनको भी मैंने जानकारी दे रखी है। क्या आपका लेबर काम कर रही है? लेबर काम कर रही है? मेरा लेबर काम कर रही है पिछले 10 सालों से। नहीं, अब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन ये कहाँ जाएगी? जब ये ओपन होगा तभी तो जाएगी अपने गांव। पिछले जनवरी से यहाँ पे लेबर है, कोई ये थोड़ी ना कि अभी आई है लॉकडाउन में कोई लेबर आई है। अच्छा, ये पिछले जनवरी से यहाँ पे मौजूद है और किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनकी स्कैनिंग कर ली है, पूरी इन्होंने वो कर ली है और स्वास्थ्य विभाग की टीम में CEO साहब की नॉलेज में सब बात है। सोशल डिस्टेंस को कहा गया है तो वो यहाँ पर कैसे हो रहा है? यहाँ पे 3 मंजिला मकान है ना, ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, तीनों को अलग अलग रखते हैं, बाकी रात में गोदाम में सोने जाती है। ठीक ठीक है।